ये जरूर जुनैद का फोन होगा, समझ नहीं आ रहा होगा ना इसे। हेलो जुनैद, इतनी बेचैनी क्या है बेटा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे भाई भाभी मुझे कभी इनकार नहीं करते। ये आपने क्या कर दिया अम्मी? क्यों, क्या मतलब, क्या किया? अम्मी मैं नूर को पसंद करता हूँ और आपने मेरे लिए इमाम का रिश्ता मांग लिया। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं तुमसे घर आके बात करती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा अम्मी, मुझे इमाम नहीं नूर से शादी करनी है, मैं नूर ही को पसंद करता हूँ। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन ये भी नहीं कि मैं नूर की बजाय इमाम से शादी कर लूँ। आप अभी के अभी मामू को बताएं कि गलतफहमी आपको हुई है। बस क्या बात है सफिया, सब खैरियत है? क्या कह रहा था जुनैद? इमाम हटिया, आप दोनों अंदर जाएं, मुझे भाई साहब से अकेले में कुछ बात करनी है। गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी? कैसी गलत फहमी? जल्दी बताओ क्या मसला है? वो मैं ये समझी थी कि जुनैद और इमाम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ तो करते हैं, इसमें गलत फहमी वाली कौन सी बात है? नहीं करते, बल्कि जुनैद और नूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जुनैद ने तुम्हें अभी ये कहने के लिए फोन किया था? खुदा के वास्ते भाई, जज्बाती होने के बजाय ठंडे दिल दिमाग से सोचो। मेरी खुद दिली ख्वाहिश थी कि इमाम मेरी बहू बने, अगर मैं क्या करूं? जुनैद नूर से शादी करना चाहता है और नूर भी यही चाहती है। अगर आप चाहते हैं तो नूर को बुलाकर पूछ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। इमाम बड़ी है और नूर छोटी। पहले इमाम की शादी होगी और मैं तुम्हें इमाम के लिए जबान दे चुका हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से इनकार है। अभी मैं नूर की शादी नहीं करना चाहता। भाई साहब प्लीज, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुने। बस अब कोई सुनना सुनाना नहीं। भाई साहब, भाई साहब,